पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा मंच पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने वाला उनका अंदाज देखने को मिला। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, ब्राह्मण लाएंगे बीएसपी को वापस, 2007 की तरह फिर मिलेगी जीत। बहुजन समाज पार्टी लगातार यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इसी क्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मेरठ पहुंचे और बीएसपी कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करते हुए सभा को संबोधित किया। भयभीत करने का माहौल बना रखा है, डराने का माहौल बना रखा है, धमकाने का माहौल बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ये कर रखा है। यहां पर आज लगभग 3000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को जो बाहर एकत्रित थे उनको रोकने का काम लखनऊ से निर्देश पाने पर यहाँ के शासन प्रशासन ने किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी पर फिर चौतरफा वार किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार में ही ब्राह्मणों को सही सम्मान और हिस्सेदारी मिली थी। मौजूदा समय में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी सभी ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई है। ब्राह्मण समाज जो है वो भगवान श्री परशुराम की वंशज है। वो घबराता नहीं है, डरता भी नहीं है, दबता भी नहीं है। और जिन्होंने दबाने की कोशिश की और जब जब की, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, तो उखाड़ के फेंकने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिलकर के, एकजुट होकर के। और अब की बात है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो ब्राह्मण समाज के ऊपर और दलित समाज के ऊपर चुन चुन करके उत्पीड़न करने का काम कर रही है, उनको डराने धमकाने दबाने का काम कर रही है, इसका भी जाने का वक्त आ गया है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है।